तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म्स का क्या फंक्शन है, फॉर्म्स अवर एंडोस्केलेटन सपोर्ट्स वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स गिव्स स्पेसिफिक शेप टू अवर बॉडी देन एक मिनट देन हेल्प्स इन लोकोमोशन मूवमेंट में देन ब्रीदिंग आपको पता है रिब केज जो है ऊपर उठती है बाहर आ उठती है ओनली देन द एयर गोज इन और एयर गोज आउट देन लोकोमोशन ब्रीदिंग एंड यू नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्योंकि बोन मैरो जो है वो ब्लड बनाता है सेल्स ऑफ बोन मैरो दे फॉर्म ब्लड सेल्स राइट सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के टिश्यूज है स्केलेटल कार्टिलेज है बोन है जो नेचर ने आपके कान एक्सटर्नल ईयर बनाया हुआ है टीचर को पकड़ने के लिए वो किसका बना हुआ है कार्टिलेज का बना हुआ है टिप ऑफ द नोज इट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज देन एपिग्लॉटिस आपको याद होगा इट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेज ठीक है इट इज सॉलिड लिक्विड या गैसियस नहीं है सॉलिड है बट प्लाइबल है प्लाइबल विच इज फ्लेक्सिबल विच कैन बी बेंड जो मुड़ सकता है बट नॉन कंप्रेसिबल वो इलास्टिक नहीं है नॉन कंप्रेसिबल है ये बट बेंड हो सकता है जबकि जो बोन है सॉलिड है हार्ड है एंड रिजिड है ये बेंड नहीं हो सकती नॉन प्लाइबल हम कहेंगे नॉन प्लाइबल कार्टिलेज जो है फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रियोस हमारा बच्चा अभी अंदर होता है मदर के तो उसका एंडोस्केलेटन किसका है वो किसका बना हुआ है कार्टिलेज का बना हुआ है देन फॉर्म्स टिप ऑफ नोज देन ईयर पिन्ना देन एपिग्लॉटिस देन tracheal rings then intervertebral discs हम कहते हैं जो डिस्क है डिस्क खिल गई है दो वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज की एक डिस्क है दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क देन पार्ट ऑफ ribs etc these are the मतलब ये तो एक तो endoskeleton of embryo तो है ही है but in adult ये जो है यहां से लेके यहां तक etc in adults whereas bones जो है forms endoskeleton of humans
after birth. So that is the bone. Cartilage avascular है. That is क्या मतलब है? No blood vessels. Therefore, very slow regeneration. अगर कहीं से रप्चर हो जाए तो इसकी बहुत स्लो, न्यूट्रिएंट्स तो कहीं ना कहीं डिफ्यूजन से आएंगे ही, ठीक है, बट इसके पास अपना ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए बहुत धीरे धीरे इसकी रिपेयर होती है अगर कार्टिलेज टूट जाता है. जबकि बोन्स दे हैव आर्टरीज एंड वेन्स. दस हम क्या कहेंगे? वेस्कुलराइज एंड ऑल्सो हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, टूट जाती है तो बहुत जल्दी जुड़ती है, ठीक है. अनदर पॉइंट, अभी हम जब स्ट्रक्चर करेंगे तो पता चलेगा. सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉन्ड्रोसाइट्स. जो कार्टिलेज के सेल्स है दे आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, which occur in group of 2 to 4. दो पड़े होंगे, तीन पड़े होंगे, चार कॉन्ड्रोसाइट्स इकट्ठे पड़े होंगे, ग्रुप ऑफ 2 to 4 इन लैक्यूना. लैक्यूना मतलब एक स्पेस है. जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स सिक्रीट प्लाइबल, फ्लेक्सिबल मैंने बताया, प्लाइबल मैट्रिक्स. जहां पे वो पड़े हुए है, जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है, वो किसने सिक्रीट किया है? वो सेल्स ने ही सिक्रीट किया है, ठीक है. और अगर हम यहाँ पे आए, सेल्स ऑफ बोन ऑस्टियोसाइट्स, इनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ईच लैक्यूना हैज वन ऑस्टियोसाइट. एक लैक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट है. Then, osteocytes secrete non-pliable matrix, और हम इसको और क्या बोल देते हैं? Ground substance. बोन जो है शो बाई डायरेक्शनल ग्रोथ. कैसे? देखो सर, ये बोन है, ये बोन है, ये अंदर कैविटी है, ये मैट्रिक्स है. ये ऑस्टियोब्लास्ट है. अभी हम करेंगे,
ये भी ऑस्टियोब्लास्ट है और ये भी ऑस्टियोब्लास्ट है। तो ग्रोथ जो है बोन की यहां से यहां की तरफ भी हो रही है, यहां से यहां की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ भी और अंदर से बाहर की तरफ भी हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज बाय डायरेक्शनल। वेयर एज अगर हम कार्टिलेज में देखें, कार्टिलेज इज सॉलिड, अंदर कुछ भी नहीं है, ये पूरा सॉलिड है, सिर्फ यहाँ पे सेल्स है। तो ग्रोथ इस साइड हो रही है, ठीक है, सिर्फ अंदर की तरफ ग्रोथ हुए जा रही है, हुए जा रही है, अंदर से बाहर की तरफ नहीं हुई। सो यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ। पहले जल्दी से ये लिखो फिर हम आगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज में अगर हम देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। दिस इज सबसे बाहर एक ये कोलेजन फाइबर्स की शीट है जिसको हमने क्या कह दिया, दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अंदर ये यंग इमैच्योर सेल्स है, यंग सेल्स है, इमैच्योर सेल्स है, बट दे आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। इनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रो ब्लास्ट। मैं थोड़ा सा ये डिराइव करती हूँ। कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करते हैं और दे फॉर्म, ये जो सेल्स है दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स। दिस इज लैक्यूना, न्यूक्लियस है, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स। And these chondrocytes, they secrete matrix, ground substance, जिसमें कुछ fibers भी है। बनाओ बेटा, right? They divide to form chondrocytes. Then chondrocytes are
mature cartilage cells which secrete matrix of cartilage. जो मैट्रिक्स है फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स जो है कोलेजन इलास्टिन. कार्बोहाइड्रेट्स सच एज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड अदर्स ऑल्सो. और भी है बट मेन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ये है, ये लिख लेना साथ में. उसके बाद एक हम आ जाते हैं सेकंड टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ. पहले ध्यान से सुनो टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस. कौन कौन से टाइप के कार्टिलेजेस है? हाइलाइन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सीफाइड कार्टिलेज. तीन टाइप के कार्टिलेज. एलाइन कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट है, फ्यू फाइबर्स है, नो कैल्शियम. एंड मोस्ट अबंडेंट. उसके बाद व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, इट इज ओपेक, लॉट ऑफ फाइबर्स, नो कैल्शियम. कैल्सीफाइड ओपेक ब्रिटल लॉट ऑफ कैल्शियम एब्सेंट इन ह्यूमन. दूसरे एनिमल्स में है बट ह्यूमंस में नहीं है. दैट इज कैल्सीफाइड कार्टिलेज. ब्रिटल है, जल्दी टूट जाए, क्योंकि ये दोनों फ्लेक्सिबल है बट ये व्हाइट फाइब्रस टफेस्ट है. ये मोस्ट अबंडेंट है, ये टफेस्ट है, ये ब्रिटल है. ठीक है, लिखो पहले हेयरलाइन कार्टिलेज. हेयरलाइन कार्टिलेज के अंदर लिख लो it forms the tracheal rings, it forms the tracheal rings, comma, cartilaginous parts of, cartilaginous parts of ribs, comma, endoskeleton of embryos. Endoskeleton of embryos. White fibrous cartilage में लिख लो. It forms the intervertebral discs. It forms the intervertebral discs. और इसके नीचे star डाल के point लिखिए. The cartilage having
abundant yellow fibers. Is elastic cartilage and forms tip of nose, ear pinna, and forms tip of nose and ear pinna. Calcified cartilage mein likh lo. It forms vertebra of shark. It forms vertebra of shark. So this is about cartilage. Then we come to bones. Structure of bone. हम कैसे देख रहे हैं? ये बोन है, ये जो लेयर है अभी बनाकर दिखाऊंगी, बाहर वाली पेरिओस्टियम, अंदर वाली एंडोस्टियम, दिस इज बोन मैरो एंड दिस इज मैट्रिक्स ऑफ बोन. इसी तरह से हमने ऐसे काट के तो देखा हमने. ये जो है ये अंदर है बोन मैरो, कोलेजन की लेयर्स है, पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम. पेरियोस्टियम के अंदर इमैच्योर सेल्स है ऑस्टियोब्लास्ट, एंडोस्टियम के बाहर दे डिवाइड टू फॉर्म ऑस्टियोसाइट्स. अगर हम और अच्छा एक और हम बात करें, इनसाइड द बोन इस तरह से ये ब्लड वेस, ये एक कैविटी है, कैनाल्स है, जिनको हम क्या देखते हैं, हेवर्शियन कैनाल. बोन्स के अंदर है हेवर्शियन कैनाल्स. क्या है इन कैनाल्स में? हैज आर्टरी, एक आर्टरी है, वेन है एंड नर्व फाइबर्स. ये प्रेजेंट क्या है हेवर्शियन कैनाल से. और हेवर्शियन कैनाल, लेट अस से एक हेवर्शियन कैनाल, अनदर इज ये सेकेंड हेवर्शियन कैनाल. इन दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है, डिफरेंट हेवर्शियन कैनाल्स को जोड़ रहा है, बुकमेंस कैनाल. वो यहां पर नहीं दिखेंगी, यहीं पर ही दिखेंगी. दो सड़कें जा रही है एक सेक्टर में से, और उन दोनों सड़कों के बीच में एक और सड़क है जो दोनों को जोड़ रही है,
जैसे ये दो हेवर्शियन कैनाल्स है और इन दोनों को आपस में लॉन्गिट्यूडनल कैनाल जोड़ रही है, दैट इज बोकनल कैनाल, राइट। अब जो है यहाँ पे लैक्यूना में क्या पड़े हैं, ऑस्टियोसाइट्स पड़े हैं। मैं इसी तरह दिखा रही हूँ, बाकी मैं एनलार्ज करके दिखाऊंगी आपको। ऑस्टियोसाइट्स ऐसे ही नहीं कहीं पे पड़े, बट दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स अराउंड एवर्शियन कैनाल्स। इन लेयर्स को हम बोलते हैं लैमिना। These are Eversian lamella. Then these are present along the osteoblasts and in the feet. जो in between present है इनको बोलते हैं interstitial lamella, eversian lamella। ये जो बीच में present है these are interstitial lamella, ठीक है जी। So अब lamella किसका है, osteocytes का। osteocytes कहाँ पे है, एक ये है एक cavity, इसके अंदर ये सेल है, दिस इज ऑस्टियोसाइट। एंड दिस इज लैक्यूना। एक लैक्यूना में एक ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट, ठीक है जी। So, पहले आप ये बना लो फिर मैं आपको लिखवा इसके बारे में। सो बोन्स आर कवर्ड बाय पेरियोस्टियम ऑन द आउटर साइड एंड एंडोस्टियम ऑन द इनर साइड। बोथ आर फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स, बोथ आर फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है inner to periosteum and outer to endosteum are present layers of osteoblasts. Which are immature bone cells. They divide to form osteocytes.
एंड ऑस्टियोसाइट सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ द बोन, है ना, यहाँ पे सारा मैट्रिक्स तो होएगा ही, ग्राउंड सब्सटेंस दे सिक्रीट मैट्रिक्स ऑफ द बोन. नेक्स्ट पॉइंट है, बोन्स हैव ट्रावर्सियल कैनाल्स, बोन्स हैव ट्रावर्सियल कैनाल्स, ब्रैकेट में लिख लो लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स विच हैव ब्लड वेसल्स, that is arteries and veins, which has blood vessels that an artery and a vein. Next point here, the osteocytes. Osteocytes are arranged in definite layers called as lamella. The layers of osteocytes around traversian canal, layer of osteocytes around traversian canals are called as traversian lamella. Traversian lamella. Underline कर लो. Full stop. The layers of osteocytes in between, एक मिनट याद रखिए. In between traversian lamella are interstitial lamella. एक मिनट बचे. They are called as interstitial lamella, right? Next point आ जाइए. The osteocytes secrete matrix of the bone. Osteocytes secrete matrix of the bone, which is composed of a protein osine, OSS, which is composed of the protein osine and various inorganic salts, such as कौन से salts है, calcium phosphate, magnesium chloride, sodium chloride, etc. But calcium phosphate जो है most abundant. ठीक है जी. सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. देयर आर प्रेजेंट ट्रांसवर्स कैनाल, देयर आर प्रेजेंट ट्रांसवर्स कैनाल विच ज्वाइन टू लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल. And is called as Volkmann's canal. And is called as Volkmann's canal. Next point आ जाइए.
बोन मैरो, बोन मैरो। इट इज नॉट प्रेजेंट, कैविटी तो होती है बट बोन मैरो हर बोन में नहीं है। इट इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। बोन मैरो इसके आगे लिख लो, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द मैरो कैविटी। ये जो कैविटी है ये है मैरो कैविटी। इज प्रेजेंट इन मैरो कैविटी। बोन मैरो इज ए, फुल स्टॉप करके, बोन मैरो इज ए सॉफ्ट, सॉफ्ट जेली लाइक फैटी न्यूरोवैस्कुलर टिश्यू, न्यूरोवैस्कुलर टिश्यू। ठीक है जी। और नेक्स्ट आ जाइए टाइप्स ऑफ बोन मैरो, टाइप्स ऑफ बोन मैरो। टू टाइप्स है, रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो अबंडेंट ब्लड वेसल्स है, येलो बोन मैरो हैज फ्यू ब्लड वेसल्स। रेड बोन मैरो अबंडेंट ब्लड वेसल्स, येलो बोन मैरो हैज फ्यू ब्लड वेसल्स। रेड बोन मैरो फॉर्म ब्लड सेल्स और येलो जो है फॉर्म ब्लड सेल्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। इट फॉर्म ब्लड सेल्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है उस केस में जो है येलो बोन मैरो भी ब्लड बना। इज इट ओके? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ बोन्स। हाँ जी बेटा। मैम रेड बोन मैरो मैम किस वाले में होती है? मैम येलो। अब दोबारा से पूछो, क्या पूछ रहे हो? रेड बोन मैरो मैम येलो बोन मैरो मैम किस में होती है? रेड किस में होती है? अच्छा रेड किस में होती है? रेड जो है प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इन वर्टिब्रा, इन क्रेनियल बोन्स।
येलो बोन मैरो इन शार्प्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इन शॉर्ट बोन्स एक्सेट्रा. जो बेटा ये जो है दिस इज एंड्स को बोलते हैं हम एपिफाइसेस. और जो शाफ्ट है उसको बोलते हैं शाफ्ट और डायाफाइसेस. उसके बाद है टाइप्स ऑफ बोन्स. एक मैंने बताया लॉन्ग बोन्स, जैसे हमारी लिंब बोन्स. उसके बाद है शॉर्ट बोन्स, फिलिंजस इन फिंगर्स एंड टोज. उसके बाद है फ्लैट बोन्स, एग्जाम्पल है क्रेनियल बोन्स. अनदर इज इरेगुलर, एग्जाम्पल है वर्टिब्रा. These are irregular. ठीक है, लिखो ये. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ऑस्टियोजेनेसिस या टर्म आ जाती है बच्चे ऑस्टियोजेनेसिस. That is formation of bones, ossification या osteogenesis. इसका मतलब क्या है? Formation of bones. थ्री टाइप की बोन्स है, बेस्ड ऑन ऑसिफिकेशन. कौन सी तीन टाइप की बोन्स है? रिप्लेसिंग और कार्टिलेजिनस बोन्स, जो कार्टिलेज को रिप्लेस कर करके बन रही है. दूसरी है मेम्ब्रेनस और डर्मल बोन्स. और तीसरी आ जाती है सीसामोइड. क्या बच्चों में क्या है? कार्टिलेज है. ठीक है, बच्चे मतलब फीटस में, एम्ब्रियोज में है कार्टिलेज. जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे कार्टिलेज की, जब बच्चा पैदा होता है कितना फ्लेक्सिबल सा होता है, जहां मर्जी उसको कर दो, गिर जाता है बेड पे, कोई उसकी रक्चरिंग नहीं, कोई ये नहीं कि भी बोन टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं. क्योंकि उसका कार्टिलेज किसका बना हुआ है, सॉरी उसका एंडोस्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज. ठीक है, धीरे धीरे कार्टिलेज रिप्लेस होके उसकी जगह बोनी मटेरियल आता रहता है. दैट इज रिप्लेसिंग या कार्टिलेजिनस बोन्स. लिख लो द बोन्स विच आर फॉर्म्ड बाय, द बोन्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग
ossification of cartilage. Ossification of cartilage, yeah. Formed by replacing the cartilage. Example aa jati hai. Limb bones, such as humerus, femur, etc. Humerus ye hai, femur leg mein hai. These are replacing. Phir hai membranous bones. These bones develop in the dermis of skin. Epidermis hai iske niche. Develop in the dermis of the skin. And they sink below to join with the cartilaginous endoskeleton. Initially to usse judega, baad mein bony endoskeleton hoga. To join with cartilaginous endoskeleton. For example, skull bones. For example, skull bones. Ye jo sir ki hai. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, to join with. To join with the underlying cartilaginous endoskeleton. उसके बाद है sesamoid bones, which are formed by ossification of tendons. Tendons आपको पता है white fibrous tissue है. Example है patella या knee bone. It is sesamoid. ठीक है जी. So this is all about here skeletal connective tissue. Okay, Samrit.